बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। लेकर आ गई हूँ शादियों के सीज़न पे ही आजकल बात कर रही हूँ, तो एक और वाइटनिंग रेमेडी, एक और वाइटनिंग पैक जो आप लोगों को यकीनन खुश कर देगा। और रेमेडी इतनी ईजी है कि बहुत ही ईजली प्रिपेयर कर लोगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा महंगी महंगी और ब्रांडेड क्रीम्स अफोर्ड नहीं कर पाते, और लोकल क्रीम्स इतनी बेकार होती हैं कि स्किन को पतला भी कर देती हैं और साथ में आपकी स्किन पर कैंसर भी हो जाते हैं। इसलिए आप लोग हमेशा हर्बल क्रीम्स बाय किया करो। अगर आप लोगों को मेरी प्रोडक्ट्स चाहिए, विश ब्यूटीज़ की प्रोडक्ट चाहिए, तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मुझसे नहीं लेना चाहते, बाज़ार से लेना चाहते हो, तो हमेशा अच्छी क्वालिटी की ही क्रीम्स बाय करें। अगर नहीं कर सकते, कोई मसले की बात नहीं है। नादिया मुसम्मिल के चैनल को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियोस को शेयर कर दें। आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी बेहतरीन वीडियोस, और आप लोगों को गोरा चिट्टस करने का, सफ़ेद करने का तो मेरा मिशन है, इंशाल्लाह करके रहेंगे, परेशान नहीं होना। क्योंकि कोई भी अच्छी क्रीम, कोई भी ब्रांडेड क्रीम 2,000, 2,500, 3,000 से कम नहीं होती, और वो फिर इतनी इतनी सी होती है, और हम इतना सोच सोच के लगा रहे होते हैं कि यार ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर दोबारा कैसे बाय करेंगे। तो इसलिए जो लोग नहीं कर सकते, वो लोग लाजमी आज की रेमेडी को देखें, इंशाल्लाह स्किन वाइटनिंग के लिए बेहतरीन तरीके से वर्क करेगी। जिनकी स्किन पर पैल है, कुचैल है, गंदगी है, आज का फार्मूला 100% वर्क करेगा, जिससे आप लोग यकीनन बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं लेकर आती हूँ डिफरेंट रेमेडीज़ आप लोगों के लिए, स्किन के हवाले से, हेयर्स के हवाले से, हेल्थ के हवाले से। उसमें से आप लोग वो इस्तेमाल करें जो आप लोगों को सूट करें, जो आप लोगों को सूट ना करें उसको आप लोग बेशक छोड़ दें, स्विच करें और दूसरी तरफ जा सकते हैं। पहले रेमेडी को पैच टेस्ट भी किया जा सकता है, या फिर एक दफ़ा लगाया, दो दफ़ा लगाया, तीन दफ़ा लगाया। अगर कोई रैशेज हो रहा है, कोई मसला हो रहा है, तो आप उसको लेफ्ट करके दूसरी कर दें। वैसे तो नेचुरल रेमेडीज़ से कोई नेगेटिविटी आती ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक रेमेडीज लेकर आती हूँ। मैं खुद सेटिस्फाइड होती हूँ, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर मैं आप लोगों से चीज़ें शेयर करती हूँ। कोई भी ऐवी रेमेडी मैं शेयर करना मुनासिब समझती ही नहीं, क्योंकि आप लोगों की स्किन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, और मैं जानती हूँ आप लोग मुझ पर कितना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह नादिया मुजम्मिल आपके इंटरेस्ट बरकरार रखेगी और आप लोगों को हमेशा बेहतरीन ही गाइडनेस देगी। अच्छा भाई, आज की रेमेडी में आप लोगों को चाहिए ग्रीन टी। ग्रीन टी लेनी है आम बाज़ार से, पंसार की दुकान से खुली ग्रीन टी ले लीजिए। खुली ग्रीन टी नहीं मिल रही तो आप लोग मार्केट से ले सकते हैं भी कंपनी की, उसको खोल लें, टी पैक्स ले लें 3 से 4 और उनको खोल लें। वैसे पंसार की दुकान से लेंगे सस्ती पड़ेगी, सही बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोग ग्रीन टी दे सकते हैं। ये मैंने आज क्यों लिया, ये मैंने इसके लिए, इंस्टेंट वाइटनिंग देगी, चेहरे पर ग्लो देगी, और बहुत सारे लोगों का इश्यूज़ जो है आई बैग्स हैं, उनकी ये चीज़ें फूली भी होती हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी, डार्क सर्कल्स को ख़त्म करेगी। ग्रीन टी शायद आप लोगों को पता ना हो, अपने अंदर बहुत ज़्यादा वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ रखती है, और बहुत ज़्यादा स्किन अगर डार्क होती है उसको ख़त्म करती है, डार्कनेस को ख़त्म करती है, बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन करने में आपके फेस को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। और तो और आपकी पिगमेंटेशन के लिए, ब्लैक स्पॉट्स के लिए, ब्राउन स्पॉट्स के लिए, धब्बों के लिए, अनइवन स्किन टोन के लिए, दानों के लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप लोगों ने इसको मिक्सचर में डालकर जो है ग्राइंड कर लेना है, और उसके बाद इसका पाउडर बन जाएगा। पाउडर फॉर्म इसलिए लाए हैं कि हमारी स्किन पर ज़रा सी भी हार्श नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जेंटल तरीके से इसको यूज़ करेंगे तरीके के साथ। अब आप लोगों ने इसमें क्या ऐड करना है, सेकेंड इंग्रेडिएंट। हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वाइटनिंग के लिए। अब यहाँ पर मैं अपना सेकेंड इंग्रेडिएंट जो यूज़ कर रही हूँ, वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है बाकी रेमेडीज से। कॉर्न स्टार्च, कॉर्न स्टार्च लेना है आप लोगों ने 1 टीस्पून। अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम अपना थर्ड इंग्रेडिएंट, जाहिर है हमें इसका पेस्ट बनाना है। तो थर्ड इंग्रेडिएंट ऐसा है जिसकी मैं पिछले दिनों बहुत तारीफ़ें भी कर चुकी हूँ और आपको बता चुकी हूँ, राइस फ्लोर से ऊपर जाकर वर्क करता है, राइस फ्लोर से ज़्यादा हाई लेवल तरीके से वर्क करता है, और आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा जादुई इंग्रेडिएंट है, और सस्ते में, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी महंगी ब्रांड में AHA यूज़ किया जाता है, और उसके अलावा हमें पता भी नहीं होता कि वो हलाल है या फिर हराम है।
यहाँ पर हम लोग AHA यूज़ करेंगे जो कि बिल्कुल हलाल है। हम अपने हाथों से डाल रहे हैं रॉ मिल्क ही यूज़ करना है। दूध पकाने के बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं AHA की वो मर जाती हैं, इसलिए शायद आपको किसी ने नहीं बताया हो कि AHA इसमें होता है, इसलिए रॉ मिल्क यूज़ किया जाता है। कच्चा दूध को रॉ मिल्क कहा जाता है। थोड़ी बहुत मालूमात भी रखा करें, ये मत सोचा करें कि झटपट रेमेडी पता चले, लगाएं, थोपें, वीडियो देखें, बंद करें, बस नहीं, वीडियो को स्किप और फॉरवर्ड मत करिएगा। थोड़ी सी जानकारी रखना भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, ताकि अगर आप लोगों को कोई गलत चीज़ सिखाई जा रही हो, कोई गलत चीज़ बताई जा रही हो, तो आपका दिमाग जागे और कहे नहीं हमने ये चीज़ सुनी है और किसी ऑथेंटिक यूट्यूबर से सुनी है। तो इसलिए आप लोग जानते ही हैं कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी रेमेडीज़ लेकर आती हूँ जो आपकी स्किन को फ़ायदा देकर जाती है। आप लोगों ने रॉ मिल्क ऐड किया, इसका अच्छे से पेस्ट बना लिया, उसके बाद आप लोगों ने इसको अपनी स्किन पर लगाना है। स्किन पर लगाने के बाद आप लोगों ने इसको छोड़ देना है 30 मिनट्स के लिए। आराम सुकून से लेट जाना है, बोलना नहीं है, गर्मी में नहीं जाना, फ़ैन के नीचे लेट जाना है। जब ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा तो फिर आप लोगों ने इसको करना है वॉश। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो जब आप इसको लगा कर लेटेंगे 30 मिनट्स के लिए, तो अपने आइज़ पर खीरे भी रख सकते हैं। आप लोग ने इसको आइज़ के नीचे भी लगाना है, आइज़ के नीचे का एरिया बिल्कुल कवर कर देना है। बिल्कुल भी परेशानी हो ना, क्योंकि कड़क पापड़ नहीं बनेगा, ये पेस्ट ऐसा नहीं बनेगा कि कड़क पापड़ बन जाए और झुर्रिया बन जाए। लेकिन आप लोगों ने इसको लेट कर रिलैक्स होकर ही लगाना है, थोड़ा सुकून आराम के साथ। हर रेमेडी पर मैं ऐसा नहीं कहती, काम करें आप घर का कोई मसला नहीं है, लेकिन इस रेमेडी के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आपकी स्किन के सेल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से वर्क करने लगते हैं जब हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर लेटते हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों ने सोची नहीं है, पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। आप लोग आइस पर खीरे भी रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे जिनके आई पफिनेस है। उसके बाद 30 मिनट्स के बाद आप लोगों ने इसको वॉश कर लेना है ठंडे ठंडे पानी से। जब आप लोग इसको उतारेंगे ना, इंतहाई रिफ्रेशिंग आप लोग फील करेंगे। आप लोगों को बहुत ज़्यादा महसूस होगा कि हम लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश सी भी हुई है, हम लोगों की स्किन हेल्दी भी हुई है और हमारी स्किन में विजिबल डिफरेंस भी देखने के लिए मिले हैं। लेकिन अगर आप लोग बाहर जाएंगे इस काम के बाद, तो सनब्लॉक को अवॉइड नहीं करना है, सनब्लॉक लाजमी लगाना है। जिनकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है उन्होंने मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र में भी बार बार सनब्लॉक आ रहे होते हैं, तो ऐसा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लीजिए जो सनब्लॉक के साथ हो, या फिर सनब्लॉक लगाइए और उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाइए। ऑयली स्किन वाले लाजमी जेल बेस्ड सनब्लॉक लगाएंगे, नहीं है आप एलोवेरा जेल भी एज अ सनब्लॉक लगा सकते हैं, बशर्ते कि जो आप बाज़ार से ख़रीद रहे हैं वो एलोवेरा जेल ओरिजिनल हो, क्योंकि नहीं मिल रहा है, 2 नंबर एलोवेरा जेल मार्केट में भरे पड़े हुए हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह भी 3 रिजल्ट्स मिलने के बाद आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आकर बताना कि आप लोगों को आज की मेरी रेमेडी, आज की प्रेजेंटेशन कैसी लगी। अगर आप लोग स्किन और हेयर्स के लिए कुछ अच्छा हर्बल बाय करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाईज करेगी और हमारी विश ब्यूटीज में आपकी स्किन और हेयर्स को देखते हुए ही प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी नादिया मुजम्मिल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।